हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होगे, मस्त होगे, घर के अंदर ठीक ठाक होगे। तो गाइस, नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट होता है हमारा, और आज है फाइनल डे, मतलब आज है बारात का दिन। आज हम बारात लेके जाएंगे, आज शादी हो जाएगी। 3, 2, 1। सो गाइस, हम रेडी हो चुके हैं यहाँ पे। और भाई सच बताऊं तो भाई सब ऐसा फटके आ रहा है मेरा। और कमेंट बॉक्स में बता देना भाई कैसा लग रहा हूँ मैं। तो आप नहीं हो अभी तक? अबे भाई तुम तो पता नहीं, फिर हमसे मेरे से पहले नहा लिए थे। उबह कितनी प्यारी लग रही है, बारबी डॉल से लग रही है यहाँ पे। तो भाई आज है बारात, मैंने आपको बताया था, और आज चलते हैं। जो भी प्रोग्राम होता है आप सबको हम दिखाते हैं। काफी लेट हो गए, 11:30 हो गए। और भैया मम्मी को आपको मैं दिखा दूं। मम्मी कहाँ हो? ये मम्मी भी अच्छी लग रही है भाई। क्या पहनो इसके नीचे? जूते? इसके नीचे भाई जूते पहन लूं, चप्पल पहन लूं, कोई भी कोई। ये सही लग रही है, मस्त है। ठंडी ठंडी हो जाएगी ना रात को, सर्दी हो तो होगी भाई। हाँ, इसलिए चलो पहन लो जल्दी, चलो लेट हो रहे। चलो लो भाई, चलो चलो भाई, लेट हो गए काफी, बहुत ज्यादा लेट हो गए। वहां से फोन पे फोन आ रहे हैं, हम हमेशा लेट होते हैं। चलो ठीक है बेटा, आते हैं हम थोड़ी देर में, आते हैं रात तक। आ रहे हैं गाइस, इनको ऐसे बोलते ना, आ रहे हैं जब हमारा वेट करते हैं। तो गाइस अभी हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का, यहाँ पे यहाँ से गाड़ी आएगी अपनी, और फिर गाड़ी में बैठ के जाएंगे। पकड़ो इसको, क्या कह रहे हो? पार्किंग में जाते बहुत दूर पड़ता। हाँ, इसके पैर में थोड़ी सूजन आ गई ना, इस वजह से थोड़ा सा दूर पड़ता हो। कोई बात नहीं, अभी आती है, पीछे चलते फटफट से। सुंदर लग रहे हो तुम यार बहुत। आज पहना ही ना, मेरे को भी दिखाओ, मेरा पूरा लुक दिखाना एक बार। यस, स्मार्ट तो मैं बहुत हूं, बहुत तगड़ा स्मार्ट। मम्मी का भी देख लो, मम्मी ने भी नया सूट डाला है। क्यूट लगते हैं वैसा, मम्मी क्यूट सी बारबी डॉल सी। तो गाइस हम बैठ गए हैं सारे के सारे गाड़ी में, मम्मी भी। आपकी आवाज आ नहीं रही होगी मुझे लग रहा है। क्यों नहीं आ रही मेरी आवाज? गूंगा हूं मैं, मुझे नहीं आ रही। क्या ले मम्मी हाथ में? शीशे बंद। गाय की रोटी? गाय की रोटी है। अच्छा, यहाँ देखते आगे। तो भाई रास्ते में गाय मिल गई है, और सबसे पहले हम कहीं भी गांव जाए या कहीं भी जाए, पहले हम गाय को जरूर रोटी देते हैं रास्ते में, क्योंकि गाय को अच्छी बात होती है देना। और नितिन बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो बहुत सुंदर लग रहे हैं, और सच में है भी, वो सुंदर लग भी रही है। देखो वहाँ से देख रहे हैं। पहुंच गया यहाँ पे घर पे, और कल्पना दी डैडी डैडी हो गए हो? अभी जाके होना है, होके आए हो पूरे, अच्छे लग रहे हो। आ गए हैं, चलो भाई चलते हैं दूल्हे राजा के घर पे। सब आ गए हम तो भाई, हम तो आगे रेडी हो गए। अब देखते हैं वो रेडी है। अब देखो कितना टाइम लगता है शादी टाइम पे, यार ज्यादा टाइम लगता ही है, थोड़ा टाइम होता है ज्यादा बता देते हैं। जैसे कि बोलते हैं 1 बजे का टाइम होता है, पर निकलते 3 बजे, इस वजह टाइम वाले बंदे हैं हम तो पहले आ गए भाई। आपके 10 बजे बारात लेके आए थे, 6 बजे का टाइम भाई। वो तुम्हारे वहाँ जाम इतना था पीरागढ़ी में, पीरागढ़ी का जाम इतना खतरनाक है भाई, टाइम से निकलना चाहिए। यहाँ पे तेल उतरने की तैयारी हो रही है, स्टार्ट के दिन भैया ये रहे, और सब कुछ पतला पतला यहाँ पे आ गया। बुआ लगी हुई अपने पूरे कामों में, गीत थोड़े से गा रहे थे, पर अब ढोल बजने लग गया, तो गीत की आवाज नहीं आ रही है। मम्मी को पापा की टेंशन हो रही, पापा नहीं आए अभी तक। चलो स्टार्ट करते हैं। ये दिन देख के मुझे अपने ये दिन याद आ गए, मुझे भी याद आ गए, हुआ मेरे 1 साल भी नहीं हुआ अभी। अभी तो मेरे को भी याद आ गया यार, उस टाइम मैं बहुत खुश हो रही थी, आज भी बहुत खुश हूँ। जितनी उस दिन खुश थी, आज से ट्रिपल खुश हूँ मैं। तो भाई लंच करते हैं यहाँ पे बढ़िया से क्यूट गर्ल के साथ। क्यों, क्या बात हो गई? जब से इसका फोन सा गायब चला हो गया ना, ये थोड़े से मेंटली थोड़ी खराब सी हो गई दिमाग इसका। चिल्लाता नहीं, मैं बोलते ही ऐसे हूँ यार, कभी तुम व्लॉग में बोलता हूँ कहते बोलते नहीं हो। ठीक है चलो, क्या खा रहे हो तुम पहले बताओ? छोले चावल? चावल तुम्हारी भाभी ज्यादा खाती है भर भर के, भाई फोन पे बात कर रही हूँ। तो भाई चलो सुनो, मेरे लिए बर्फी ले लेना, बर्फी खाऊंगा मैं, बर्फी मुझे अच्छा लगता है मीठा यार, इसके अंदर क्या। चलो तो भाई मम्मी शाही डाल रही है यहाँ पे, चाची का वो होता ना, रीति रिवाज। क्या हो गया, क्या हो गया? क्यों हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो? मैंने आँखों में
साड़ी तो लगाई है, यहाँ पे भी लगा। ओ मम्मी कान तक ले गई मम्मी। आज बता, आज तेरी छोट से बताओ। ताऊ जी कह रहे छोटा बता कितना जी। एक हाँ एक दे रहा। ये 2100 रुपये कम हो तो और बता दे। बता बता मुझे गाना दे दिया। हाँ आप कित क्यों रही है पता है? ये ढोल बज रहा है, नीचे ढोल बज रहा है ना, अभी बंद हुआ है जस्ट। हाँ ये है मंदिर, और यहाँ पे जो शादी से पहले होता है वो हो रहा है। क्या लूँ, चलो तुम्हें ले लिया खुश। पर ब्लैक ब्लैक आ रहा है, धूप रिफ्लेक्शन जो है वो भी उधर पड़ा हुआ है दूसरे वाला। तो भाई अब हो रही है जुआरी। गर्मी लगने लग गई भाई सच बताऊँ तो। है जतिन ठंड बेटा, रात को पता लगेगा जब वहाँ 2-3 बज जाएंगे ना भाई। इसी पीछे सारा प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। कभी कभी तुम बोलते धीरे बोलो और कभी कभी बोलते कि तो आराम से बोल लो। फुल फोटो शूट चल रही है भाई तुम दोनों की भी। पापा कहाँ हैं? व्लॉग बन रहा है व्लॉग। मंदिर का प्रोग्राम हो गया है यहाँ पे खत्म, और अभी चलते हैं सीधा बारात लेके। ठीक है, बारात जा रही है हमारी। कोसली भूख लग रही है अभी तो, पेट भर के खा के आए थे तुम, अभी नहीं खाया तुमने? 2 घंटे पहले खाया था। चलो फिर चलते हैं फिर। अभी अभी तक इनका फाइनल ही नहीं हुआ है कब चलना है कब नहीं चलना। आ जाओ भाई चलो, बस अभी ये प्लानिंग चल रही है कब चलना है कब चलना है। जतिन को भेज दो ना पापा के साथ। ड्राइवर सेट है एकदम चलाने के लिए गाड़ी। आ जाओ आज लोकेशन के लिए। गाड़ी लोकेशन के लिए सुनो, पापा से बात कर रही हूँ, उनको जाना है। पूरे रास्ते आप चलाओ गाड़ी, पूरे रास्ते मैं जयपुर तक लेके गई हूं, सबको बैठा के। और गाइस गाड़ी हमने यहां पार्क कर दी है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं अंदर। सिस्टम जो है ठीक होने के लिए गया हुआ है, 10-12 दिन आया क्योंकि उसका तो ये व्लॉग फिर मैं ही बना रहा हूं। ये इसका फोन तो गया हुआ है बेचारा, टूट गया था। मैं बना लेती, मतलब इनको याद नहीं रहता। कोई बात नहीं, चलो अब जल्दी से। ये रहा रथ, और यहाँ पे मिलनी वगैरह होती तो सारे के सारे लोग यहीं पे है। तो अभी रथ चलेगा और हम नाश्ते नाश्ते जाएंगे पीछे से मस्त से। मेरे को अपनी घुड़सवारी याद आ गई यार, तुम्हारी शादी का कोई। अच्छा सपनों में वो हुई, सपनों में हर नई रूप की परी से और की परी से तुम्हारी शादी होती है। तो वही जो दूध पिलाने का सिस्टम होता है वो यहाँ पे हो रहा है। अरे कोई नहीं, पीजा पीजा पीले भाई पीले। पूरा पीना होता है, पूरा पीना है क्या? फाइनली गाइस चढ़ गया भाई बॉडी पे। तो भाई यहाँ पे फुल खुशी गाने आने जा रहे हैं। नाच गाना हो गया सारा, और अब टेंट के अंदर घुस रहे हैं। Thank you.
हाँ भाई चलो, हाथ पकड़ने का टाइम आ गया परमानेंट के लिए। पकड़ ले पकड़ ले। और गाइस ये है वाटिका के अंदर का, मैं आपको दिखा दूं। मैंने बावा का सीन था, वहां प्रोग्राम चल रहा है। अरे देखो पूरा का पूरा सीन यहाँ पे। मेरा फेवरेट गाजर पाक निकाल दो, गाजर पाक कहूंगा तो। ये मेरा फेवरेट है, डलवा दो चलो एक तो गया, अभी तक तो नहीं हुई। ये पर्स अगर यही रह गया ना, कई करोड़ की संपत्ति है इसमें। तो गाइस दो मिनट पहले हमें कुछ लोग मिले थे यहाँ पर, जिन्होंने हमारे साथ फोटोज क्लिक कराई और हमें बहुत अच्छा लगा। लोग हमें यहाँ पे पहचान रहे हैं, पर मेरे को कैसे लोग पहचान रहे? मेरी तो आईडी सस्पेंड हो रखी है, उससे पहले नहीं जानते। हाँ अब देख रहे होंगे ना आईडी फोन में कि अब कहाँ चली गई, खो गई। अरे क्या चल रहा है मैडम, क्या खींच के ले जा रहे हो? जिम कब से जाना तुम्हें? शादी हो गई, दो दिन पहले आराम करके छठे थोड़ा आराम करती है। तो जो लोग हमें यहाँ पे मिले, जिन्होंने हमें पहचाना, वो हमारा ब्लॉग देखेंगे, उनको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। बहुत बहुत हम ब्लॉग में नहीं ले पाए क्योंकि हमें एकदम से आप आगे फिर पता नहीं लगा। सुखा आई थी, लड़की का घर है और हम आ गए क्योंकि यहाँ पे होंगे फेरे। तो कल्पना दी खड़ी और अब हम करेंगे फेरे अटेंड, क्योंकि हम दो ही बहुएं हैं, बाकी तो सब बहने आ रखी है। तो अब मुझे थोड़ी बड़ी बड़ी वाली फीलिंग आ रही है फेरों के लिए। मुझे अपना भी टाइम याद आ रहा है। तुम्हारा भी इच्छा हुआ भी नहीं, अभी तो होएगा चार पाँच दिन बाद। नितिन भी आ गए हैं और यहाँ से फेरे स्टार्ट। मैं एक भी ढंग की क्लिप नहीं बना पा रही क्योंकि बहुत भीड़ है, यहाँ पे सारी लेडीज बैठी हुई है। इन्हें और कहीं जगह नहीं मिली, पहचानो ये कौन है। मुझे तो व्यू अच्छा आ रहा है यहाँ से। हम बैठ गए फेरों पे और चारों पांचों कैसे बैठे हैं, पांचों कैसे बैठे हैं। फेरे चल रहे हैं, फेरे चल रहे गाइस। अभी हमारे सब हमारे सब एक साथ घुट के रहेंगे ना तो गर्मी ओम अग्नि समृद्धि करुणो भव नमः स्वाहा। ओम श्री ते लक्ष्मी पतन्यायो पार्थ नक्षत्राणि रूपं सर्वलोकानां। ओम अम्बे अम्बिके पालिके नमामि श्रीकांतं। तो भाई सब के सब आ गए यहाँ पे खाना खाने के लिए और हमारी बारी भी खाना खाने की। तो सब के सब खाएंगे यहाँ पे खाना और फिर खाना क्यों सर, ये क्या लगेगा खा रही हो? फल फ्रूट जैसे बोल रहे वैसे ऐसे मेरे बोल पे ऐसे हो मेरे तुम मेरे बोल पे आस्थान चाहिए क्यों? तुम तो मीठा बहुत खाते हो, तुम तो हल्का हल्का मतलब रसगुल्ले वगैरह। तो गाइज हम सब के सब निकल चुके हैं अपने घर के लिए वापस, सारी विदाई वगैरह सब कुछ हो गया, सब अपनी गाड़ी में और हम अपनी गाड़ी में, है ना भाई। और आज के ब्लॉग को भी हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, बहुत लंबा ब्लॉग हो गया, जैसा भी है आपको पसंद आया होगा और बहुत थकावट वाला दिन गया आज का, पर मज़ा काफ़ी आया डांस वांस करके सब कुछ। तो ठीक है गाइज आज के ब्लॉग को करते हैं पे ख़त्म। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके बाय।